गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गुड मॉर्निंग आप सब लोगों को। मैं आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे हैं और आज का दिन आप लोगों का अच्छा जाए। तो अभी मैं रेडी होकर निकल चुकी हूँ स्कूल के लिए, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है इसलिए मैंने आज गाड़ी ले लिया है। दो दिन से मैं हट के गई थी लेकिन आज लेट हो गया है, घर पर कोई भी नहीं है तो घर जल्दी भी आना पड़ेगा और लेट भी हो चुका है, तो इसलिए मैं गाड़ी लेके जा रही हूँ। तो स्कूल जाती हूँ, आके आप लोगों के साथ मुलाकात होगी, ठीक है। 2000 years later. Hey guys, तो मैं जस्ट अभी स्कूल से आई हूँ घर और मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मेरे घर में कोई भी नहीं है। और मेरे बेड का अवस्था देखिए कैसे गंदा हुआ है ना, क्योंकि मेरे घर में कोई नहीं है तो काम तो मुझे ही करना पड़ेगा आज। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ मेरे घर का अवस्था क्या है। घर में कोई नहीं है इसलिए पूरा घर अंधेरा है। मैं जल्दी जल्दी स्कूल का यूनिफॉर्म अभी जस्ट आई हूँ ना, तो स्कूल का यूनिफॉर्म से जस्ट चेंज कर लूँ फिर आप लोगों के साथ मिलती हूँ, ठीक है। फ्रेंड्स, तो मैंने ड्रेस चेंज कर लिया अभी, नाइट वाला, अभी रात वाला ही नाइटी पहना है मैंने। तो अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ स्कूल से घर आने के टाइम पर मैंने क्या ख़रीदा है। पहले तो रान्ना घर में तो आ गई हूँ रसोई, और ये देखो मैंने लाया है प्याज कली और इसमें ही रखा हुआ है। आज मैंने लाया है क्या जानते हो, कहाँ गया रे भाई, ये रहा आज मैंने, ये देखो क्या लाया है, इसमें है गुगली गुगली और यहाँ पे है ये मैंने रात के लिए लाया है भिंडी, यहाँ पे है। तो आज प्याज कली और गुगली देखे मैं बनाऊंगी सब्जी। आज मैं पहली बार बाजार गई चीज़ें खरीदने के लिए। तो अभी मेरा काम है, मैं ना पहले गुगली को सीजने के लिए रख देती हूँ ताकि वो अच्छी तरीके से सीज जाए, नहीं तो वो कैसे कच्चा कच्चा रह जाता है ना, तो वो अच्छा नहीं लगता। तो मैं उसे पहले सीजने के लिए रख देती हूँ। तो आप लोग रहिए मेरे साथ, तो फिर ठीक है देखते रहिए कि आप लोगों की शिल्पा कैसे खाना बनाती है। अच्छा लगता है अपने हाथ का खाना, तो इसलिए मैंने सोचा आज मैं जो खाना बना रही हूँ क्यों ना मैं अपने मनपसंद की खाना बना लूँ, तो इसलिए मैं ना लेके आई हूँ। तो मैं इसे सीजने के लिए दे रही हूँ। इससे पहले दिखाते हैं, ये देखिए ये है गुगली, इससे पहले मैं धोने के लिए दे देती हूँ, धो लेती हूँ अच्छी तरीके से। मैंने एक बार धो लिया है और मैं इसमें अभी थोड़ा सा हाथ धोती हूँ, इसमें थोड़ा सा हल्दी और थोड़ा सा नमक दे के इसको सीजने के लिए रख दूंगी। मैं इसे बिठा देती हूँ, गैस बंद कर दिया है नीचे से पापा ने, सिलेंडर को ऑफ कर दिया, कोई नहीं था इसलिए। तो मैं इसे बिठा देती हूँ, इसे बिठा के मैं जाऊँगी अपना सारा काम करने के लिए अभी। तो ये होता रहे, मैं एक साइड पे जाके अपना सारा काम कर लेती हूँ। यहाँ पे मैंने हल्दी दे के बिठा दिया है, ये होता रहे, अभी तक एक उबाल भी नहीं आया है इसमें। तो ये होता रहे, मैं जा रही हूँ अपने घर को, रूम को ठीक करने के लिए। सबसे पहले ये पर्दे को खोल दो, थोड़ा उजाला आ जाए, लाइट आएगा यहाँ से। तो फिर ना जल्दी जल्दी अपने गंदे से रूम को साफ कर लेती हूँ, ठीक है। तो मैं जल्दी जल्दी कर लेती हूँ, आप लोग रहिए मेरे साथ। Thank you.
चकाचक कर लिया है ना, जितना हुआ उतना ही किया है ना। अब मैं जा रही हूँ इन सबको धूप खिलाने के लिए, इसे घर पे रखने से अच्छा धूप खिला ले। सारी चीज़ों को खींच लिया है, अरिजीत का जो ड्रेस था वो भी धो लिया है, और यहाँ पे ब्लैंकेट को भी धूप खाने के लिए रख दिया है। धूप थोड़ा कम लग रहा है, इस तरफ हटा देते हैं ये गर्म हो जाए। मैं नीचे जा रही हूँ, ये गेट बंद करके ही है, हवा दे रहा है बहुत ज़्यादा। मैं जा रही हूँ नीचे, ये वाले खिड़की खोल देते, थोड़ा सा उजाला हो जाएगा तो फिर अंधेरा सा है पूरा घर। इसको लगाने के बाद ज्यादा ही अंधेरा हो जा रहा है। हाँ थोड़ा ठीक लग रहा है। फिर मैंने गुगली को देखिए, ऑलमोस्ट हो ही चुका होगा, सीज गया होगा शायद। अगर सीज जाएगा तो मैं इसे अच्छी तरीके से साफ करने के लिए छत पे लेके जाऊंगी, यहाँ पे तो नहीं होगा। करते करते मैंने सोचा अपना ब्रेकफास्ट ही कंप्लीट कर लूँ, इसलिए मैंने ले लिया है, दिखाती हूँ। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मूली और तरकारी जमा खा लिया है, और यहाँ पे एक चाय बना लिया है जिसको मैं चुस्की दे दे के, खाने का टाइम तो नहीं है लेकिन खा लूँगी जितना दूर हो सकेगा। साफ करने के लिए ऊपर, और थोड़ा सा चाय बचा हुआ है वो भी पी लेती हूँ। तो मैं तो आ गई हूँ छत पे अभी गुगली साफ करने के लिए, तो मैं जल्दी जल्दी गुगली को साफ कर लूँ। ये देखो यहाँ पे लाया है मैंने, कहाँ गया इसमें, तो मैं साफ कर लेती हूँ फिर आप लोगों के साथ मिलती हूँ बाद में। तो मेरा यहाँ पे मतलब क्या कहें, गुगली साफ करना हो चुका है, अभी मैं सारी सब्जियों को काट लूंगी। हे फ्रेंड्स, तो दो बज गया है और बहुत ज़्यादा लेट भी हो चुका है, अरिजीत भी आ चुका है खाने के लिए, और मैं यहाँ पे अभी तक मेरा खाना कम्प्लीट नहीं हुआ है बनाना। मैंने एक तरफ चावल चढ़ाया है और एक तरफ मसाला को भूंज रही हूँ, भूनना भी नहीं हुआ है अभी तरफ। अंडा का जो घोल होगा उसका मसाला को अच्छी तरीके से भूनना पड़ेगा ना, नहीं तो गंध छोड़ेगा। ये ऑलमोस्ट हो ही गया है, तो मतलब बहुत ज़्यादा लेट हो चुका था इसलिए मैंने सारा खाना को नहीं दिखा पाई, सॉरी। तो खाने के टेबल पे आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या बनाया है, तो मिलते हैं खाने के टेबल पे, ठीक है। थोड़ी देर बाद ही, 5-10 मिनट बाद ही मैं जिसको खाने के लिए दे दूँगी, ऑलमोस्ट हो ही गया है, तो मिलते हैं खाने के टेबल में, ठीक है। तो आज मैंने बनाया है ये खाना, यहाँ पे है अंडा का झोल, सिर्फ आलू भी नहीं दिया है, सिर्फ बना दिया है। यहाँ पे ये क्या है समझ में आ रहा है, ये प्याज पत्ता देके क्या है गुगली, और सिर्फ भात, और कुछ नहीं बना पाई, इतना ही बना पाई। ये है अरिजीत का खाना, उसे बुलाती हूँ। हाय फ्रेंड्स, तो जस्ट अभी अभी पढ़ा के आई हूँ, दोपहर के खाने के बाद थोड़ा सा सो गई थी, फिर पढ़ाने के लिए गई थी नीचे। तो अभी 8 बज रहा है, तो अभी अभी जस्ट पढ़ा के आई हूँ, और अभी नहीं 7:30 PM को पढ़ा के आई हूँ, उसके बाद संध्या दिया मैंने, और फिर मेरा पढ़ाते पढ़ाते बहुत ज़ोरों से पेट दुखने लगा था, पता नहीं क्यों, तो इसलिए थोड़ा सा गर्म दूध करके पिया, अभी थोड़ा सा कम लग रहा है पेट दर्द। तो अभी तो 8 बज गया है, अरिजीत तो अभी तक नहीं आया है, वो आता ही होगा, रास्ते पे होगा। तो आज का रात का खाना मैंने सोच के रखा है क्या बनाऊंगी, तो देखते हैं वो बनाती हूँ कि नहीं। तबीयत थोड़ा ख़राब लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, तो अगर तो मैं अभी सोच रही हूँ
कि रोटी का आटा गूंद के रखूं, बाद में देखेंगे क्या बनाते हैं सब्जी। तो अभी मैं जा रही हूँ रोटी गूंदने के लिए। रोटी गूंद के आप सॉरी सॉरी, रोटी गूंदने नहीं, सॉरी आटा गूंदने के लिए जा रही हूँ, तो आटा गूंद के आप लोगों के साथ मिलती हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे आटा गूंद के लोई भी कर लिया है। अब रोटी बनाने की देरी है, सब कोई आ चुका है, इसलिए मैं रोटी बना लेती हूँ जल्दी जल्दी। इस वीडियो क्लिप में कुछ कारण की वजह से साउंड नहीं आया है, मुझे नहीं पता क्यों आया है, तो मैं बता देती हूँ। बहुत जल्दी जल्दी सब लोगों ने खाना मांग लिया था, इसलिए मैं वीडियो नहीं कर पाई, सॉरी उसके लिए। तो आज का वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ। आज का वीडियो अगर अच्छा लगे लाइक कमेंट शेयर एंड ऑल्सो सब्सक्राइब दिस चैनल। मिलते हैं कल सुबह, आज के लिए टाटा बाय बाय।